तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद में मटियाला में। यहाँ पर मैं आपको सर कमाल का इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल दिखाने वाला हूँ, जो कि आप कम जगह में एक अच्छा पैदावार लेके ज़्यादा चीज़ों के साथ आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। मेरे साथ हैं राणा जी, जो इस फार्म के संचालक हैं, ऑनर हैं। बात करेंगे सर से कैसे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की शुरुआत कर सकते हैं। तो सर नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर अपना परिचय दीजिए और अपने फार्म का परिचय दीजिए। मैं अशोक राणा, रिटायर्ड PSP यूपी पुलिस है, और ये मेरा फार्म हाउस है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हाउस है जी, विद फिशरी हाउस। सर थोड़ा हम देखना चाहेंगे, आपने ये लिखा हुआ है आश्रम करके जो है जी, यहाँ पे जैविक खेती, बायोफ्लॉक वगैरह, मछली वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर करी हुई हैं सर जी। आइए सर चलते हैं अभी अंदर। तो दोस्तों ये फार्म की एंट्री यहाँ से हो जाती है और बहुत ही कमाल का फार्म यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब आपने ये शुरू किया और कैसे आपको आइडिया आया? ये देखिए, इधर जो है जाएंगे तो आपको नींबू के पौधे मिलेंगे। ये अभी आंवला लगवाया था, ये आंवला देखिए, आंवला इतना खूबसूरत है, उसमें लग रहा है जी जी, हाइब्रिड का आंवला है। और आंवले से जो है अभी फ़िलहाल क्योंकि पुराने हो गए थे यही पेड़ हैं। बाकी अंगूर की बेल लगी हुई है, लीची लगी हुई है, आपका ये नींबू है, तो ये डिफरेंट, ये आम का पौधा है, गुलाब है जी जी, अमरूद के पौधे हैं, पपीते हैं। तो ये सब प्राकृतिक रूप से हम लोग जीवन व्यतीत करने के लिए सब हमने इसको स्टार्टअप किया है जी। और इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं जिन किसानों को जो कम ज़मीन है और वो कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से अपनी जो है आय को बढ़ाएं। सर आज देखा गया है कि जो किसान है हमारा वो एक ही खेती की तरफ जा रहा है, जबकि अगर हम मल्टी फार्मिंग खेती करता है तो कम जगह में ज़्यादा पैदावार ले सकता है। वो किसान क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता है, और किसान मेहनत करेगा, इसमें मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत की जरूरत पड़ती है, कम रासायनिक नहीं पड़ता है, उससे कम लागत में अच्छी खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। यदि वो ट्रेनिंग करना चाहता है और ट्रेनिंग के माध्यम से वो अच्छा आय लेना चाहता है तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। किसान चूँकि मेहनत नहीं करता है, गन्ना है, धान है, परंपरागत ये फसलें हैं, इन्हीं को बो के अपना जो है जीवन यापन करता है वो। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही कमाल का फार्मिंग मॉडल सर ने पेश किया है, और बेसिकली ये जो है पूरा एक गाँव के बीच में सब कुछ बनाया हुआ है। देखिए ये आड़ू का पौधा है जी, आड़ू का लगा है, बेल पत्थर है, इन जितने फ्रूट्स हैं, फ्रूट्सों को सीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें दो गाय पली हुई हैं, कुत्ते हैं, तो ये सब जो है इसलिए कि इन जीव जंतुओं के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें आफ्टर रिटायरमेंट, ये हमारा मकसद था। और यहाँ किसानों को भी हम ट्रेनिंग देके उनको प्रोत्साहन करते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं और लाभ कमाएं। उनके लिए भी एक जीविका का साधन यहाँ पर आप देने की कोशिश कर रहे हैं सर जी जी। और सब्जियों में सर आपने क्या क्या किया हुआ है? सब्जियों में हर तरह की सब्जी लगाते हैं, सीजनल जो सब्जियाँ हैं उन सीजनल सब्जियों को ही यहाँ उगाते हैं और उसका यूज़ करते हैं जी। इधर में ये सर आपका सिक्योरिटी डॉग है, यहाँ पर ये देखभाल करता है जी। डॉगी है ये बहुत इंटेलिजेंट डॉग है। बाकी दोस्तों ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग है सिक्योरिटी पर्पस के लिए सर जी जी। ये कौन सी ब्रीड है सर? ये गद्दी है, पहाड़ी ब्रीड है, जिससे जो है ये कोई भी शख्स उसमें तो रात्रि में जो है बड़ा खतरनाक होता है सर। गद्दी पहाड़ी कुत्ता जो है पकड़ लेगा जी जी जी, छोड़ेगा नहीं। ये अपना निवास है, इसमें हम लोग निवास करते हैं जी। और यहाँ पे सर ये देखा था मैं, वो निकाल दिया, मक्की भी लगी हुई है, मक्की थी से जो है मक्का निकाली हुई है जी। और ये हमारी दो गाय हैं, एक तैयार है जो दूध दे रही है जी जी, साहिवाल नस्ल की गाय है, और ये साहिवाल का बहुत अच्छा दूध होता है। A2 जो है इसमें एलिमेंट्स मिलता है जी। ये ब्याने को है और ये अभी फिलहाल दूध दे रही है, इसकी ये बच्चिया है, अभी ब्याई है ये, बहुत ही शानदार। प्योरिटी लेने के लिए ये सब संसाधन जुटाए हुए हैं कि आजकल जो दूध में जो मिलावट है और उससे बचने के लिए जी ये साधन को जुटाया गया है। तो सर ये बताइए, जैसे आप पुलिस महकमे से रिटायर थे, आपको इतना एक्सपीरियंस था नहीं फार्मिंग के रिगार्डिंग, तो समस्याएं आपको सर इसमें क्या क्या आई थी शुरुआत में? पुलिस महकमे में रहे तो मैक्सिमम 99% हम लोग पब्लिक के बीच में रहे, विभिन्न तरह के किसानों से मुलाकात हुई, कि तमाम लोगों से बातचीत हुई, तो ये सोचा गया कि भाई प्रकृति के नज़दीक रहा जाए, जिससे कि जो है जैविक खेती करके
जो रसायन मुक्त उत्पादन है उसका उपयोग किया जाए और इसमें हम लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। ये सहजन का पेड़ है सर? हाँ, ये सहजन का पेड़ है। इनकी पत्तियों में 70-80% जो है प्रोटीन होती है जी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया सर। और ये चंपा का पौधा है जी। जी, सारी वैरायटी सर मैं देख रहा हूँ आपने लगाई हुई है जी, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो। ये हमारा टैंक है जिसमें बच्चे का पालन करते हैं। यहाँ से बच्चा बड़ा होने के बाद फिर बड़े वाले टैंक में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, ये हैचरी बच्चा पाला हुआ है सर? ये अपना हैचरी टाइप हो गया सर? हाँ, ये हैचरी टाइप का है और इसमें बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम ट्रांसफर करके बड़े टैंकों में डाल देते हैं जी। तो कितने? ये आड़ू लगा हुआ है, अमरूद है और ये नीम है। नीम ही है? नीम से चर्म रोग खत्म होता है जी। जी, कि नीम की पत्ती खाने से आपको जो है स्किन डिसीज नहीं होगी। गिलो है, गिलो के यूज करने से आपको जो है वायरस जो है जितना है वो खत्म होता है। अभी अक्टूबर का महीना के महीने में सब्जियां लगाई और जो भी है अभी इसकी तैयारी की जा रही है, फील्ड तैयार किया जा रहा है जी। वो फील्ड में गाय के गोबर का जो है उपयोग किया जाता है, किसी तरह का कोई रसायन इसमें यूज नहीं होता है जी। जी, ये देखिए अरवी लगी हुई है। अच्छा, इधर में जो है ये चीकू का पौधा है, सामने केले हैं, अमरूद हैं जी। जी, तो इसका जो है ये चीकू का हो गया। ये गाय का चारा लगा हुआ है और ये खेत सर सर्दियों में सर्दियों की सब्जियों के लिए तैयार करवा रहे हैं? हाँ, तैयार किया जा रहा है। ये सब प्योर देसी गाय के गोबर से ये खाद तैयार किया गया है। तो सर अभी एरिया कितना है टोटल आपका यहाँ पर? ये 1.5 एकड़ है मेरे पास में सर, जो मेरा अपना निजी है और इसमें अपना जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं और फिशरी भी करते हैं और 2 टैंक और हैं जी, इसमें जो है फिशरी कर रहे हैं, फिशरी का काम करते हैं। ऐसा जो फिशरी आपका देखते हैं काफ़ी शानदार आपने बनाया हुआ है वो जी। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ बत्तख और मुर्गे भी यहाँ पर रखे हुए हैं। बत्तख सुरक्षा के पर्पज से रखी हुई है, जब भी कोई आहट होती है तो ये अपनी आवाज़ निकाल के यहाँ के रहने वाले लोगों को जगा देती है, जिससे कि उसे एक नेचुरल वे से पता लग जाता है। करती है जी। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े स्केल में मछली पालन करा जा रहा है सर जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में, ये कौन सा मॉडल है और आपने किस तरह से इसको तैयार वगैरह किया हुआ है? ये बायोफ्लॉक पद्धति से हम मछली पालन करते हैं। बायोफ्लॉक में वायरस तैयार करते हैं, इसमें एरेशन लगाते हैं और पानी का चेंज ओवर होता रहता है, जिससे मछली जो है फ्रेश वाटर में जिंदा रहे, उसका जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो कौन सी वैरायटी की मछली है सर? ग्रास है जी, मृदुल है, इसमें रोहू है, कतला है, ये सब जो है पड़ी हुई है और भी तालाब है जिसमें जो है उसका पालन करते हैं। अभी सर ये बताइए जो मछली है कितने समय में तैयार हो जाती है, इसका प्रोडक्टिविटी कब आना स्टार्ट हो जाती है? 4 से 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, जो मार्केट में बेचने लायक हो जाती है। सर लोगों को ना बड़ी समस्या आती है कि हर कोई काम स्टार्ट कर ले, चाहे वो फ्रूट्स का हो चाहे वेजिटेबल्स का हो चाहे वो मछली पालन हो, लेकिन सेल कहाँ करें, कहाँ बेचें? सेल के लिए जो लोगों से कॉन्टैक्ट, जो व्यापारी इसके व्यापारी हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो आके तोल के ले जाते हैं, मंडी जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अच्छी रेट में ये मछली बिक जाती है। और पेमेंट वगैरह सर कैसे होती है? पेमेंट हैंड टू हैंड मिलता है, कोई नगद का कोई उधारी कोई नगद उधारी का कोई सिस्टम नहीं है, नगद का काम है पूरा। और सर मैं देख रहा हूँ आपने चारों तरफ इसके काली पॉलीथीन लगाई हुई है आपने, ये काली पॉलीथीन सिर्फ लगाने का मकसद ये है कि इसमें ये बरसात के दिनों में मिट्टी न कटे और ये तालाब अपने पूर्ण रूप में सुरक्षित रहे, इसलिए इसे काली पॉलीथीन का यूज़ किया गया है। और पानी वगैरह कोई स्पेशल पानी सर इसमें दिया जाता है? पानी वही ओरिजिनल पानी है जी, इसमें नमक वगैरह डाला जाता है, पीएच इसका देखा जाता है। सो पीएच कितना होना चाहिए सर? 6.7 करीब पीएच होना चाहिए अच्छे पानी का, वो बीच बीच में चेक करते रहें। चेक करते रहते हैं जी। और देख रहा हूँ सर यहाँ पे एक बड़ी समस्या आई है पक्षियों की, जिसके लिए आपने नेट लगाया हुआ है। हाँ, नेट इसलिए लगाया हुआ है कि जो पक्षी हैं जो मछली को खाते हैं उनसे उनका जो है प्रोटेक्शन हो और किसी तरह से उनका जो है हानि ना हो, तो उसमें जी। सर थोड़ा सा मोटा मोटा बताइए, जैसे आपने तालाब बनाया हुआ है कितने एरिया में बनाया हुआ है, कितनी लागत आई है, कितना इससे प्रोडक्ट निकल रहा है, कितना इससे मुनाफा ले रहा है? ताकि तालाब करीब 2 बीघे में तालाब है, इसकी लागत करीब 4 लाख रुपए आई थी और विद इसका एरेशन और सब लगा के और इसका मछली पालन में जो है वो 4 लाख के आसपास के तालाब का निर्माण में लगा, बाकी मछली का बच्चा है उसका फीड है वो अलग से उसकी कॉस्ट आती है।
तो क्या सर मुनाफा ले सकता है अगर इस तरह का कोई तालाब बनाता है और काम शुरू करता है? ये नंबर ऑफ पीसी जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक 10 ग्राम की मछली आती है तो 10 ग्राम का बच्चा आएगा वो या 1 किलो का होगा तो उसको 10 टाइम्स जो है उसको 100 टाइम्स उसकी वो बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। अमूमन 6 महीने 7 महीने में ये 1 kg का वेट गेन कर लेती है। जी जी। और सर कैसे कोई शुरुआत करे, थोड़ा मार्गदर्शन करिए ताकि कोई शुरुआत करे। जिन किसानों को ये बायोफ्लक लेना है तो ये मत्स्य विभाग में जाएं, वहाँ सरकार इनको जो है सब्सिडी भी देती है और अपना अप्लाई करें और उनसे सरकार से अपना इसे बेनिफिट ले सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।